नंबर टू है हमारा, आपके स्कूल में ऑटो 3+1 होता है। तीन पिछले साल जून में करीब आया था, घर है जिस पर आपकी मदद है, आ ही नहीं सकता, कंट्रोल करें और उसको आप रुकवाएं। और मोटरसाइकिल विदाउट गियर का मिलता है, मोटरसाइकिल स्कूल को प्रिंसिपलों को और उनके संचालकों को दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि हर स्कूल बस येलो कलर की होनी चाहिए, उस पर खिड़कियाँ जो जाली लगनी चाहिए, इसके साथ साथ उसमें कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर जो है वो उसके पास भी हैवी लाइसेंस और 5 साल का अनुभव हो उस ड्राइवर के पास में, गाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा पेटी हो, अग्निशमन यंत्र हो, स्कूल के बच्चों के बैग नीचे रखने के लिए व्यवस्था हो, कोई भी स्कूल बस 12 साल से पुरानी नहीं होगी, ये स्पेशल रूप से उनको सबको बताया गया। और ये बताया गया कि अगर कोई भी इस चीज़ का उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पे उन स्कूलों के विरुद्ध और उनके प्राचार्य संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बसों के लिए तो इस तरीके से व्यवस्था, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ऑटो से लेके जाते हैं, उस पे उस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते बसों में, तो और ऑटो में बच्चों की संख्या भी देखिए, यहाँ ऑटो के संबंध में भी बताया गया, ऑटो दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे ऑटो जो स्कूल बस के रूप में स्कूल वाले ही चलवाते हैं, उनके लिए तो जो नॉर्म्स हैं वो वही हैं जो हैं जो 76B में है, परंतु जो ऐसे ऑटो जो रेगुलर परमिट पे चलते हैं, ऑटो की परमिट पे, पर वो बच्चों को लेके जाते हैं, उनके लिए भी प्राचार्यों को बताया गया कि वो इस बारे में ध्यान दें कि कोई भी ऑटो में मिनी डोर जो आती है या मैजिक, उसमें 6+1 से ज़्यादा बच्चे, और जो ऑटो आते हैं उसमें 3+1 से ज़्यादा बच्चे न रहें, और इस पर अगर ऐसा आता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार ये काफ़ी हद तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल जैसे इस साल हमने 128 ऐसे स्कूल बस थे जो 12 साल पुराने थे, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया, उसके बदले में नई गाड़ियाँ आ रही हैं, पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हो जाते हैं जिनके पास में संसाधन नहीं रहते अचानक नई स्कूल बस खरीदने का। और जहाँ तक ऑटो की बात है, तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर एक ऑटो में 3 बच्चा जाए तो ऑटो के चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति पे पेरेंट्स ये दबाव डालते हैं कि हमको ज़्यादा बच्चे बैठने से हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों दिक्कत होगी, तो ऐसी स्थिति पे ये जो सोशल फैक्टर होता है इसके कारण भी कई बार बातें आती हैं, परंतु कड़ाई लगातार बढ़ाई जाएगी इस बार और भी, और इस पर लगातार हम कोशिश करेंगे। 12 साल से पुरानी गाड़ियां भी यहां पर चल रही है उसको लेकर भी नहीं, 12 साल से पुरानी आज की डेट पे रायपुर पे कोई एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो 12 साल से पुरानी